नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 19 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के हर पंचायत में खुलेंगे पैथोलॉजी जांच केंद्र। पॉलिटेक्निक छात्रों को जल्द ही मिलेगी ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग। बिहार में चौंका सकता है मौसम का मिजाज। भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप चौपाल हुआ लॉन्च। बिहार के लगभग 13 विश्वविद्यालयों को जल्द ही दिया जाएगा वेतन सत्यापन का प्रशिक्षण। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के हर पंचायत में खुलेंगे पैथोलॉजी जांच केंद्र। बिहार के सभी पंचायतों में जल्द ही पैथोलॉजी जांच केंद्र की शुरुआत होने वाली है। स्वास्थ्य जांच सुचारू ढंग से हो सके, इसीलिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसको लेकर ही अब स्वास्थ्य विभाग ने टेली मेडिसिन के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की पर्याप्त सुविधा पहुंचाने के बाद अब पंचायतों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत अब पैथोलॉजी लैब खोलने की तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो पहले ये पैथोलॉजिकल जांच की सुविधाएं प्रखंड स्तर पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद पंचायत स्तर पर भी जांच केंद्रों का संचालन किया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्रीकृष्ण सिंह की। बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में आजीवन साथ रहे। उनके मात्र 10 साल के शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला और सामाजिक क्षेत्र में की उल्लेखनीय कार्य हुए। श्री कृष्ण सिंह मूल रूप से खनवा गांव नवादा जिले के हैं। वहां मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लगभग 200 करोड़ की लागत से कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। इनमें उनकी स्मृति में एक स्मारक भवन, पार्क, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हॉस्पिटल, पावर हाउस, पावर ग्रिड इत्यादि का निर्माण प्रमुख है। बिहार में 3034 लेडी सुपरवाइजरों की नियुक्ति के लिए इस समय जारी होगा मेरिट लिस्ट। सामान्य कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के 3034 पदों पर नियुक्ति के लिए अगले महीने ही मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। ज्ञात हो समाज कल्याण निदेशालय ने साल 2019 में ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन कोरोना के कारण ये सब अधर में लटक गया था। हाल ही में इस चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैठक हुई जिसमें मंत्री भी मौजूद रहे थे। सभी डीएम को नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को लेकर निर्देश दिया गया है। जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार सभी जिलों में लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति की मांग की गई थी और इसके लिए मांगे गए आवेदन के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरा कर लिया गया है। अब मेरिट लिस्ट निकालना बाकी है। बिहार में बढ़ सकता है आपका बिजली का बिल। बढ़ती गर्मी के बीच बिना एसी कूलर के दिन गुजारना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में अगर ऐसी खबरें चलने लगे कि बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो सकती है तो आप भी सिर्फ पंखे में रहने की सोचने लगेंगे। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर बढ़ाने की पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली है। आगामी 24 जून को कंपनी की याचिका पर आयोग सुनवाई करेगा। हालांकि आम लोगों से भी इस पर राय ली जाएगी। जन सुनवाई के बाद ही आयोग बिजली दरों पर कोई निर्णय लेगा। वैसे आयोग चाहे तो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के बाद आगामी वित्तीय वर्ष में उस राशि को समायोजित भी कर सकता है। बिहार में चौंका सकता है मौसम का मिजाज। मॉनसून ने भारत में अब दस्तक दे दी है। तीखी धूप और उमस से परेशान लोगों को इसके साथ ही अब राहत की उम्मीद जागी है। वहीं बिहारवासियों के लिए भी राहत की खबर सामने आई है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में मई के महीने में रुक रुक कर बारिश वैसे ही हो रही है, लेकिन यह बारिश मॉनसून से पहले की है। कुछ दिनों पहले तक उम्मीद जताई जा रही थी कि पिछले साल की तरह इस बार भी मॉनसून वक्त से पहले बिहार पहुंच सकता है। मॉनसून के बिहार आने का औसत समय जून महीने का मध्य हिस्सा है। अमूमन 15 जून के आसपास मॉनसून बिहार में प्रवेश कर जाता है जो अगस्त सितंबर तक राज्य में बारिश कराता है। इस साल भी जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश समय पर होने वाले हैं। पॉलिटेक्निक छात्रों को जल्द ही मिलेगी ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग। बिहार में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बिहार की नीतीश सरकार बढ़ावा दे रही है। फिलहाल इस ड्रोन की मदद शराबियों को पकड़ने में की जा रही है। हालांकि आने वाले समय में ड्रोन कानून व्यवस्था को सुधारने में बड़ा ही मददगार साबित हो सकता है। यही कारण भी है कि अब बिहार के पॉलिटेक्निक छात्रों को जल्द ही ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिलने वाली है। योजना के अनुसार सूबे के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं को ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग जल्द शुरू की जाएगी। देहरी ऑनसोन पॉलिटेक्निक कॉलेज को इस ट्रेनिंग के लिए हब बनाया जा रहा है। इसको लेकर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। आईआईटी पटना के सहयोग से ये ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके लिए इसी महीने संस्थान के साथ करार होने की उम्मीद है। पंजाब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड ने निकाली रिक्तियां। पंजाब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड ने हाल ही में
क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की कुल मिलाकर 917 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने के लिए बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के साथ और अच्छा ज्ञान पंजाबी और अंग्रेजी टाइपिंग का होना अनिवार्य है। 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 37 साल है। इसके लिए आवेदक जो EXSM से हैं उन्हें 200 रुपए, SC, BC, EWS को 250 रुपए और PH को 500 रुपए देने होंगे। वहीं UR के लिए 1000 रुपए निर्धारित है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ssb.punjab.gov.in पर जाकर 15 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के लगभग 13 विश्वविद्यालयों को जल्द ही दिया जाएगा वेतन सत्यापन का प्रशिक्षण। राज्य के सभी 13 परंपरागत विश्वविद्यालय को शिक्षा विभाग ऑनलाइन वेतन सत्यापन का दक्ष अपनाने वाला है। विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से तैयार किए गए नए वेतन सत्यापन सॉफ्टवेयर का हाल ही में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने लोकार्पण किया था, जिसके बाद ही अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसके माध्यम से पे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ रेखा कुमार ने सभी विश्वविद्यालयों को इस बाबत स्केड्यूल बनाकर संबंधित PVC के कर्मियों को इसमें शामिल होने को कहा है। कार्यशाला का आयोजन शुरू हो चुका है और ये 26 मई तक लगातार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद के सभागार में किया जाएगा। बिहार में इतने प्रतिशत परिवारों के पास है साइकिल, कार रखने वालों की संख्या मात्र इतनी। बिहार में भले ही चार पहिया वाहनों के शौकीनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन अफसोस ये साइकिल प्रेमियों से ज्यादा नहीं बढ़ सकी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट में तो यही संकेत मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार परिवहन के साधनों को लेकर भी राज्यों का आंकड़ा जारी किया गया है। इसके मुताबिक देश में औसतन 50.4% परिवारों के पास साइकिल और महज 7.5% परिवारों के पास कार है। पश्चिम बंगाल में 78.9% परिवारों के पास साइकिल है, जो देश में सर्वाधिक है। वहीं बिहार में 64.8% परिवारों के पास साइकिल है, जबकि सिर्फ 2% घरों में चार पहिया गाड़ी है। साइकिल के लिहाज से बिहार का स्थान देश में 7वां है, जबकि कार के मामले में बिहार सबसे नीचे है। इसी तरह बिहार के 27.2% परिवार के पास स्कूटर या मोटरसाइकिल भी है। भोजपुरी का पहला OTT ऐप चौपाल हुआ लॉन्च। भोजपुरी मनोरंजन जगत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा था जब भोजपुरी फिल्में सिर्फ सिनेमा हॉल में ही देखी जा सकती थी। समय के साथ ही अब काफी कुछ बदला है। साथ ही समय के साथ अब भोजपुरी का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म चौपाल लॉन्च हो चुका है, जिस पर ही अब भोजपुरी प्रेमी फिल्म और वेब सीरीज देख सकेंगे। इस OTT की शुरुआत पवन सिंह के वेब सीरीज प्रपंच से हुई है। इस मौके पर और इस खास अवसर पर भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि OTT प्लेटफॉर्म चौपाल के जरिए 35 करोड़ भोजपुरियों का ये सपना भी पूरा हो रहा है। भोजपुरी का कोई OTT प्लेटफॉर्म नहीं था जिस पर दर्शक सीधे भोजपुरी की फिल्में और वेब सीरीज देख पाए। अब ये सुविधा मिल गई है, जो काफी खुशी की बात है। संभावित बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। बाढ़ और सुखाड़ को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार अलर्ट मोड में है। यही वजह भी है कि संभावित बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए की जा रही तैयारी की समीक्षा के लिए सीएम नीतीश कुमार खुद हाई लेवल मीटिंग करते बीते दिन देखे गए। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ कई विभाग के मंत्री और विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों को DM भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का हिस्सा बने थे। आपको बता दें कि बिहार में अक्सर बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति देखने को मिलती है और कई बार ऐसा हुआ भी है कि राज्य के उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है और दक्षिण बिहार में सुखाड़ की स्थिति। ऐसे में बाढ़ और सुखाड़ दोनों से निपटने के लिए की जा रही तैयारी की समीक्षा सीएम नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। बिहार समेत 5 राज्यों में सूखे जलाशय। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी के बीच एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। ये खबर उन 5 राज्यों के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है जो गंगा नदी की घाटी पर बसे हैं। इसमें एक नाम बिहार का भी है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन गंगा मिशन के जलाशयों की एक ताजा गणना सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़े स्थिति की गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल में औसतन करीब 38% जलाशय सूख गए हैं। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है और इसकी वजह आबादी की बसावट का विस्तार, ठोस कचरा फेंकने और अन्य कारण बताए गए हैं, जिसके बाद ही देश में घटते भूगर्भ जल के कारण उत्पन्न संकट के बीच गंगा नदी घाटी के इन 5 राज्यों में सिकुड़ते जलाशयों ने चिंता बढ़ा दी है।
रोहतासगढ़ का किला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भारत के प्राचीन किलों में से एक माने जाने वाला रोहतासगढ़ का किला साहस, शक्ति और सोन घाटी की सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ये किला रोहतास के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशुंग के पौत्र और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्रभ ने करवाया था। रोहतासगढ़ जलप्रपातों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कैमूर की पहाड़ियों से पूर्व की ओर गिरते हैं और सोन नदी में मिल जाते हैं। यानी एक बात तो साफ है कि रोहतासगढ़ में आकर आप कई स्थानों को एक साथ देखने का आनंद उठा सकते हैं। माना जाता है कि यह किला कई सालों तक हिंदुओं के अधीन रहा, लेकिन 16वीं सदी के दौरान मुसलमानों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया और अनेक वर्षों तक इस किले पर उनका अधिकार रहा। शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर अब अभ्यर्थी करेंगे भूख हड़ताल। बिहार में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। बिहार सरकार की उदासीन बहाली व्यवस्था को देखते हुए अभ्यर्थी बीते कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अफसोस सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहे। यही कारण है कि इन सब के बीच अब अपने आंदोलन को और उग्र बनाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की तारीख घोषित नहीं होती, तब तक हम लोग धरने पर ही रहकर सरकार से मांग करते रहेंगे। राज्य के विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थी भीषण गर्मी में भी धरना स्थल पर जमे हुए हैं। पूर्व विधायक और फेमस डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन सिंह ने दुनिया को कहा अलविदा। सिवान के मैरवा के रहने वाले और आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। पटना के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के अनुसार त्रिभुवन सिंह अपने पीछे इकलौते पुत्र डॉक्टर मनिंद्र मनीष को छोड़कर जा चुके हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि डॉक्टर त्रिभुवन सिंह सहकारिता आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने भारत पाक युद्ध में भी हिस्सा लिया था। 80 वर्ष के डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने पटना के पीएमसीएच में एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। ये वही है जिन्होंने शहाबुद्दीन के एक मामले में सीधे और साफ शब्दों में उस वक्त कह दिया था कि मैं बदमाशों और अपराधियों की पैरवी नहीं करूंगा। बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। कोरोना काल में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली थी, जिसके बाद ही उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों की कमी की समस्या खत्म होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक बिहार के अनुमंडल अस्पताल में 66% और जिला अस्पतालों में 36% चिकित्सकों के पद खाली है। बता दें कि अनुमंडल अस्पतालों में 1595 स्वीकृत पदों में 547 चिकित्सक ही पद स्थापित है और जिला अस्पतालों में 1872 स्वीकृत पदों में 1204 चिकित्सक ही पद स्थापित है। इन सब के अलावा प्रदेश के जिला और अनुमंडल अस्पताल में मेडिकल स्टाफ के पद 50% से अधिक खाली है। वहीं शहरी इलाके की भी बात करें तो प्रदेश के शहरी क्षेत्र में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 66% कम है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भले ही बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर लिए जाने का लाख दावा कर रहे हो, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी नए आंकड़ों ने सभी दावों की पोल खोल दी है। मद्य निषेध विभाग ने इतने लोगों के खिलाफ 1.5 महीने में किया मामला दर्ज। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 के तहत भले ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष दंडाधिकारियों को न्यायिक शक्तियां नहीं मिल पाई हो, लेकिन पहले से कार्यरत विशेष न्यायालयों में संशोधित कानून के तहत सुनवाई जारी है। खास बात यह है कि ये अभियुक्त 1 अप्रैल 2022 को संशोधित कानून लागू होने से पहले आरोपित बनाए गए हैं। इस महीने विशेष उत्पाद न्यायालयों में मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज 815 केस का ट्रायल पूरा हुआ है, जिसमें 754 केस में आरोपित दोषी साबित हुए हैं, जबकि 59 मामलों में लोगों की रिहाई हुई है। इन न्यायालयों ने पहली बार धारा 37 में शराब पीते पकड़े गए लोगों के मामले की भी सुनवाई की। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार अप्रैल महीने में शराबबंदी अधिनियम के तहत पकड़े गए 8 लोगों को 1 महीने की सजा दी गई। पार्टी में मतभेद की खबरों पर जगदानंद सिंह ने दी सफाई। राज्यसभा चुनाव में टिकट को लेकर राजद में मतभेद की खबरें हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कई बड़े नेता बहुत नाराज है। पार्टी में मतभेद की अटकलों के बीच ही अब राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सामने आया है, जिसको लेकर ही उन्होंने बीते दिन कहा कि मैं पार्टी के काम में लगा हूं। कल राजद युवा मोर्चा की बैठक में 1 घंटे से ज्यादा रहा, उसके बाद कार्यालय में काम में रहा। हमें कंप्यूटर रूम जाना पड़ा और उसके बाद ही कुछ पत्र थे जिसे लेकर हमें कार्यालय से दूसरी जगह जाना था। मतभेद को लेकर की जा रही बातें बेबुनियाद और गलत है। राष्ट्रीय जनता दल में कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ साफ साफ है। राज्यसभा की उम्मीदवारी की जहां तक बात है तो उसकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार उम्मीदवारी में कुछ बड़ा होने वाला है। प्रशांत किशोर इस दिन से करेंगे जन स्वराज का आगाज।
बिहार की राजनीति की हवा का रुख बदलने के लिए प्रशांत किशोर अब योजना के अनुसार मैदान में उतरने वाले हैं, जिसके तहत ही 20 मई से जिलों का दौरा आरंभ करेंगे। जनसुराज अभियान के तहत इसकी शुरुआत वैशाली से होगी। प्रशांत किशोर अपने 3 महीने की इस यात्रा में सभी जिला और अनुमंडल मुख्यालयों तक जाएंगे। एक बार फिर से बिहार से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर अब गांव-गांव घूमेंगे। जनसुराज अभियान की शुरुआत का पट्टा में ऐलान करने के बाद प्रशांत किशोर अब फाइनली जमीन पर उतरने वाले हैं। इसके लिए वो लोकतंत्र की जननी वैशाली से अपने अभियान की शुरुआत कर अगले 3 महीने में बिहार के सभी जिलों और अनुमंडल मुख्यालय में घूम घूम कर लोगों को जनसुराज अभियान से जोड़ने का काम करेंगे। सीएम नीतीश कुमार जल्द लेंगे आरसीपी सिंह पर कोई बड़ा फैसला। इन दिनों बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज है। इसी चुनाव में आरसीपी सिंह की कुर्सी पर भी काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को फिर से राज्यसभा का टिकट दिए जाने को लेकर चल रहे कयास पर पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि इस पर कोई फैसला हम नहीं लेंगे, इस बात का फैसला नीतीश कुमार करेंगे। ललन सिंह ने जिस तरह ये बातें कही हैं उसके बाद एक बार फिर से पक्का हो गया है कि वो आरसीपी सिंह को टिकट देने के मूड में नहीं है, लेकिन मामला आरसीपी सिंह से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो खुद कोई फैसला नहीं ले पा रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो अगले महीने मणिपुर और नागालैंड का दौरा करेंगे, जहां पार्टी को और मजबूती कैसे प्रदान की जाए इस पर योजना बनाई जाएगी। राजद में सिर्फ फुटोवल बनेगा उसके नाश का कारण। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर हरी झंडी देने के लिए राजद की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग तो हुई, लेकिन इससे तेजस्वी यादव ही नदारद थे, जिसके बाद से ही बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठक से निकलकर तेजस्वी से मुलाकात करने पहुंचे। राजद में जारी इन्हीं उठापटक पर अब जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राजद में जारी सिर्फ फुटोवर ही उनके नाश का कारण बनेगा। थोड़ा समय लग सकता है, 2 महीने लगे, 6 महीना लगे, समय की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन अंत में राजद के नाश का यही कारण बनेगा। ईपीएफओ मेंबर्स आईडी में प्रोफाइल पिक्चर के बिना नहीं होगा ई नॉमिनेशन। आने वाले समय में अगर आपके ऑनलाइन ईपीएफओ मेंबर्स आईडी में प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो ई नॉमिनेशन फाइल करना संभव नहीं होगा। अगर आप ई नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए अपने यूएएन अकाउंट में लॉगिन करते हैं और आपके ईपीएफओ मेंबर्स आईडी पर प्रोफाइल फोटो नहीं है तो आपको आगे बढ़ने में असमर्थ मैसेज मिलेगा। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि आप पहले अपने यूएएन मेंबर्स पोर्टल में अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करें और फिर ईपीएफओ ई नॉमिनेशन को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दुनिया का पहला डिपार्टमेंटल स्टोर 1848 में खुला। भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी 1999 में फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। फिजी में 2000 को भारतीय मूल के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी की सरकार को 7 नकाबपोश सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा तख्तापलट किया गया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जान लेकर भारतीय इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय जोड़ने वाले नाथुराम गोडसे का जन्म 1910 में आज के दिन हुआ था। भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 1913 में हुआ था। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन 1904 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय नाटककार और रंगमंचकर्मी विजय तेंदुलकर का निधन 2008 में आज ही के दिन हुआ था। पटना की रिया में गजब का टैलेंट। बिहार में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक के बाद एक टैलेंट उभर कर सामने आ रहे हैं। 11 वर्षीय सोनू कुमार के बाद अब बिहार की रिया की चर्चा तेज हो गई है। 12 साल की रिया का टैलेंट ही कुछ ऐसा कमाल का है कि चर्चा होना लाजमी है। 12 साल की रिया बंद आंखों से कुछ भी पढ़ लेती है। पटना के पटेल नगर की रहने वाली रिया कक्षा 7 की छात्रा है। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, फिर भी फर्राटे से किताब और अखबार पढ़ लेती है। इतना ही नहीं, बंद आंखों से वो कपड़ों के रंगों की भी पहचान आसानी से कर लेती है। आंखों पर पट्टी बंधे होने के बावजूद जब वो सामने वाले व्यक्ति के कपड़ों का रंग बताती है तो लोग भौचक्के रह जाते हैं, उसके टैलेंट की दाद देते हैं। अपनी इस कला के चलते रिया अब मशहूर होने लगी है। रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने केकेआर को 2 रनों से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2022 में बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रनों से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। इस जीत के लिए एलएसजी के 14 मैच में 18 अंक हो गए और वो पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर आ गई है। दूसरी तरफ केकेआर के 14 मैच में 12 पॉइंट्स रहे हैं और वो होड़ से बाहर हो गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे एलएसजी ने 20 ओवर में बिना विकेट खोए 210 रन बनाए थे। क्विंटन डीकॉक ने 70 गेंद पर 140 रनों की नाबाद पारी खेली। कप्तान केएल राहुल ने 51 गेंद पर 68 रन बनाए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सुषमा सिंह, परवेज आलम, प्रिया यादव, मनीषा कुमारी, राजेश कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नरेश कुमार, मोनू सिंह, अजय टंटी,
पंकज रॉय, दया शंकर, रघुनाथ प्रसाद, शंकर मुखिया, आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार का सबसे सफल अभिनेता कौन रहा है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।